और बिहार के गोपालगंज के रहने वाले दिव्यांशु शुक्ला ने यूपीएससी में अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि दिव्यांश शुक्ला ने यूपीएससी में 153वां रैंक हासिल किया है। दिव्यांश उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहकर पढ़ाई की है। वर्तमान में वह रामगढ़ के सीसीएल बड़ाल सियाल प्रोजेक्ट में इंजीनियर हैं। दिव्यांश अपनी बड़ी बहन रितिका शुक्ला जो कि बोकारो स्टील में टीए विभाग में मैनेजर हैं। दिव्यांश ने लॉकडाउन के दौरान बोकारो में रहकर तैयारी की। दिव्यांश के बड़े बहनोई शैलेंद्र भूषण तिवारी धनबाद के बिजली विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पदस्थापित हैं। दिव्यांश अपने बड़े बहनोई को ही आदर्श मानकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। दिव्यांश ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी में कामयाबी हासिल की है। दिव्यांश की प्रारंभिक पढ़ाई पिता सुभाष चंद्र शुक्ला जो कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में पूरा किया। दिव्यांश की पढ़ाई गोरखपुर के केंद्रीय विद्यालय से हुई। 2012 में 10वीं और 2012 में 12वीं की परीक्षा एडमिशन लिया और साथ ही 2014 में इसकी परीक्षा दी। उसके बाद बीएचयू से आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीसीएल में नौकरी शुरू की। चार बहन और एक भाई में दिव्यांश सबसे छोटे हैं। दिव्यांश ने कहा कि ये पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी लिया तो सिलेबस अधिक होने के कारण 9-9 घंटे की पढ़ाई में सफल नहीं हो पाए। एक साल के तैयारी करने के अंदर नौकरी करने लगे और 5 घंटे की कड़ी मेहनत से सफलता हासिल किया है। कर रहा था और बरका सियाल एरिया रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे मैं पोस्टेड था एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। पढ़ाई कहाँ से की आपने? पढ़ाई मेरी स्कूलिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय गोरखपुर से। उसके बाद मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया और आईआईटी क्रैक करके मैं आईआईटी बीएचयू पहुँचा था। आईआईटी बीएचयू से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वहीं से मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था जिसमें मैं सीसीएल आया। जी मेरे जिया जी ने तैयारी की थी तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन आता था यूपीएससी निकालने का। और दूसरा जब सीसीएल ज्वाइन किया तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन रहता था तो वो देख के भी एक मोटिवेशन मिला था कि वहाँ काम ज़्यादा अच्छा है, हमसे थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है समाज के लिए। वहाँ बोकारो में आप यूपीएससी क्रैक करना डेफिनेटली ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि टाइम भी लग जाता है इस एग्ज़ाम में अपना। थोड़ा कई बार होता है कि कुछ अटेम्प्ट्स आप नहीं निकाल पाते हैं, समय भी ज़्यादा लगता है, थोड़ा कभी कभी टेंशन भी होती है एग्ज़ाम को लेके। तो डेफिनेटली जब एग्ज़ाम निकलता है तो खुशी तो होती ही है और साथ में परिवार वाले जो खुश होते हैं, समाज वाले जो खुश होते हैं, उससे भी खुशी और बढ़ जाती है। मेरा तो पूरा ड्रीम जैसे पूरा हो गया है। वो तैयारी करता था, बहुत मेहनत करता था। हम देखते थे कि रात को 1-1.5 बजे 2 बजे तक जग रहा है और दिन भर भी कभी बुक्स पढ़ता था, कभी वीडियोज़ देखता था। तो भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि इसको सफलता मिले, और जैसे उसको सफलता मिली तो एक जैसे सपना पूरा हो गया। हमारे घर में कोई यूपीएससी सर्विसेज में नहीं था अभी तक, तो एक आइडिया ही नहीं था घर में मम्मी पापा को या हम लोग को बहुत ज़्यादा कि मेरे को तो जॉब में मैं हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगता था। मगर इसके सिलेक्शन के बाद मम्मी पापा को भी लग रहा है कि हाँ कुछ बड़ा अचीव किया है पूरा। अभी पापा छुट्टी में घर गए हैं, गांव गए हैं हमारे, तो गांव पे पूरा भीड़ लग गया। वहां के बहुत सारे लोग आके बधाई देने लगे, रिपोर्टर्स भी पहुंच गए, तो वो लोग भी बहुत खुश हैं। कितने भाई बहन हैं? देखिए आजकल के जो बच्चे हैं आईटी के बाद सॉफ्टवेयर में ज़्यादा क्रेज है, अच्छा पैकेज है, इनका भी वही था। लेकिन एक चीज़ ही मैंने इन्हें बताया कि यूपीएससी एक समाज के लिए कार्य करने का आपको मौका देती है। अगर आप इसमें सफल हो जाइएगा तो आपको एक इंटरनल खुशी होगी। उनको इन्होंने आत्मसात किया और इन्होंने यूपीएससी में द्वितीय प्रयास में इनको सफलता मिली, ये मेरे लिए काफ़ी गर्व और खुशी का बात है। कितने बार आपने अटेम्प्ट लिया था यूपीएससी? मैंने अपने 4 अटेम्प्ट दिए थे। मैं दो बार इंटरव्यू भी दिया हूँ बट अनफॉर्चुनेटली मेरी किस्मत नहीं थी। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि इसने मेरे